नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही Xiaomi कंपनी ने अपने Redmi ब्रांड के पावरफुल स्मार्टफोन Redmi K20 और K20 Pro को लॉन्च किया है। दोस्तों, ये दोनों ही मोबाइल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पावरफुल मोबाइल हैं। इनके अंदर आपको कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त फीचर्स दिए हैं। लेकिन दोस्तों, इन मोबाइलों को इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों, अब कंपनी की तरफ से ऐसी लीक्स डिटेल सामने आई है कि कंपनी आने वाली 17 जुलाई को अपनी K20 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर देगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ रियलमी कंपनी ने भी कुछ दिन पहले अपने रियलमी एक्स मोबाइल को लॉन्च किया था, जो कि पॉपअप सेल्फी कैमरा मोबाइल था और इसके अंदर भी आपको कंपनी ने बढ़िया फीचर्स दिए थे। लेकिन दोस्तों, रियलमी एक्स मोबाइल को भी कंपनी आने वाली 15 जुलाई को इंडिया में लॉन्च कर देगी। तो दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मार्केट में इन दोनों ही स्मार्टफोन की कड़ी टक्कर होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा मोबाइल बढ़िया रहेगा, किस मोबाइल के अंदर आपको पावरफुल फीचर मिलेंगे और इनमें से आपको कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए और इनकी कीमत इंडिया में क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन मोबाइलों की डिस्प्ले और इनके फ्रंट पैनल की, तो दोस्तों दोनों ही मोबाइलों का फ्रंट पैनल बिल्कुल एक जैसा है। दोनों ही मोबाइलों के अंदर आपको दोस्तों पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर बात की जाए रेडमी K20 मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको 6.39 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2340 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए रियलमी एक्स मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको 6.53 इंच की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले दी है, जो की 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 19:9 है। तो दोस्तों, दोनों ही मोबाइलों के डिस्प्ले के साइज की बात की जाए, तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में रियलमी एक्स आगे रहेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। इसके अंदर आपको दोस्तों बड़ी डिस्प्ले दी गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इन मोबाइलों के वेरिएंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi K20 मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी इस मोबाइल को इंडिया में 6 GB और 8 GB रैम के साथ लॉन्च कर सकती है, जिसके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। वही अगर दोस्तों बात की जाए Realme X मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी इस मोबाइल को भी इंडिया में 6 GB और 8 GB रैम के साथ लॉन्च कर सकती है, जिसके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस मोबाइल को कंपनी 4 GB रैम के साथ भी मार्केट में उतार सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मोबाइलों के कैमरा के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi K20 मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें आपको दोस्तों इस मोबाइल के बैक पैनल के ऊपर 48 MP, 13 MP और 8 MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों बात की जाए इस मोबाइल के फ्रंट कैमरा की, तो दोस्तों कंपनी इस मोबाइल के अंदर आपको 20 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। और दूसरी तरफ अगर दोस्तों बात की जाए Realme X मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको इसके बैक पैनल के ऊपर ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें आपको इसके बैक पैनल के ऊपर 48 MP और 5 MP का रियर कैमरा और 16 MP का फ्रंट पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर कैमरा के डिफरेंस की बात की, तो दोस्तों कैमरा के मामले में Redmi K20 आगे रहेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। इसके अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी मिलेगा और इसके कैमरा सेंसर भी बड़े हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मोबाइलों के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi K20 मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 730 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है। और ग्राफिक के लिए दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 618 का GPU दिया गया है। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए Realme X मोबाइल की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 616 का GPU दिया गया है। तो दोस्तों, अगर दोनों ही मोबाइलों के प्रोसेसर के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में भी Redmi K20 आगे है, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको बढ़िया और अच्छा चिपसेट दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको Realme X मोबाइल के अंदर भी बढ़िया और अच्छा चिपसेट मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन मोबाइलों की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi K20 मोबाइल की बैटरी की, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको 4000 mAh की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी दी है। वहीं अगर दोस्तों Realme X मोबाइल की बैटरी की बात की जाए, तो दोस्तों कंपनी ने इस मोबाइल के अंदर आपको 3765 mAh की वूक फास्ट चार्जिंग 3.0 सपोर्ट वाली बैटरी दी है। तो दोस्तों बैटरी की डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों दोनों ही मोबाइलों में से आपको Redmi K20 मोबाइल के अंदर बड़ी बैटरी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों Xiaomi कंपनी ने अपनी Redmi ब्रांड के लगभग सभी स्मार्टफोन के अंदर 4000 mAh की बैटरी दी है। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं आपके लिए इनमें से कौन सा मोबाइल बढ़िया रहेगा। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी एक मोबाइल को खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों फीचर्स के मामले में तो Redmi K20 आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर आपको बढ़िया कैमरे, अच्छी बैटरी और बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वहीं अगर दोस्तों Realme X मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर भी आपको कंपनी ने बढ़िया और अच्छे फीचर्स दिए हैं। तो दोस्तों, अभी आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से
कौन सा मोबाइल खरीद रहे हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा मोबाइल पसंद आया हमें कमेंट कर।